डम्पशराट्स खेलते हैं। ये डम्पशराट्स क्या होता है? इसके दो ग्रुप होते हैं। एक आदमी इशारे से कोई चीज या फिल्म का नाम अपने ग्रुप को समझाता है और उनको बताना होता है कि वो क्या बताना चाहता है। मुझे डम्पशराट्स बहुत अच्छा गेम लगता है, बहुत मजा आता है। चोर, चोर, पकड़ो, अरे कोई पकड़ो। दी, वो देखो, चोर मम्मी का पर्स लेकर भाग रहा है। ए, रुक जाओ। ए, चोर अंकल वो पर्स वापस कर दो। चोर अंकल अभी भी रुक जाओ। मैं सपना देख रहा हूँ। ये बच्चा इतनी तेजी से साइकिल कैसे चला सकता है? हे बच्चे, मुझे छोड़ना मत, प्लीज बचा लो, बचा लो। ठीक है, जाओ, आज के बाद फिर चोरी मत करना वरना पुलिस को दे दूंगा। ये तो बता दो तुम हो कौन? अच्छाई का दोस्त, बुराई का दुश्मन। नाम है वीर, वीर द रबर बॉय। थैंक यू वीर, तुमने पर्स कैसे छीन लिया उससे? छीना नहीं आंटी, उसके हाथ से गिर गया और मैं लेकर आ गया। गुड बॉय वीर, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। बाय बच्चों। बाय। चिंटू कहाँ है? पता नहीं कहाँ है, लेकिन अभी बुलाता हूँ। तक दिना दिन दिन, तक दिना दिन दिन, कौन सा काम अधूरा है बोलो मेरे बिन। अपने नाना से मिले हुए सोचो हो गए कितने दिन। नाना जी आप कब आए? चिंटू जिन, जेल से लेडी जिन भाग गई है। तुम्हें याद होगा जब वो जिन पुलिस से छुप के भाग रही थी तो तुमने ही उसे देख के पुलिस को खबर की थी और उसे जेल हो गई थी। हाँ नाना जी, मुझे याद है। जिन पुलिस उसे ढूंढ रही थी और वो भागती हुई आई और एक कुएं में छुप गई थी। मैं वहाँ खेल रहा था, मैंने उसे छुपती देख के जिन पुलिस को बुला लिया था। जब पुलिस उसे पकड़ के ले जा रही थी तब वो चीख चीख के कह रही थी, चिंटू मैं वापस आऊंगी और तुम्हारी सारी शक्तियाँ छीन लूंगी, मैं बदला लूंगी चिंटू, मैं बदला लूंगी। लेकिन चिंटू वो जेल से